आइए अब चलते हैं हम पांचवें अध्याय की तरफ। बिदुंग का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंदन स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आँखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिदुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरी पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुंग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरों को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिदुंग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया, उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वो रोज वैश्य के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिदुंग नामक पिशाच को विमान में बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के
निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोंडी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरु ने बिदुंग नामक पिशाच को पासों में बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिदुंग को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिदुंग अपनी पति चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। बिदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिदुंग अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुँच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया और दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गई। अगर आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।